भिंड के रौन कस्बे में जन्मे विवेकानंद त्यागी भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में रहते हुए देश की रक्षा की और रिटायर होने के बाद उन्होंने समाज सेवा भी की। विवेकानंद त्यागी को लोग फौज नाम से पुकारा करते हैं और फौजी उन्हें कहते हैं। 8 फरवरी को घर के बाहर सड़क पर वॉकिंग करते समय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, जिनका इलाज दिल्ली हॉस्पिटल में चल रहा था, जहाँ इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। विवेकानंद त्यागी ने परिजनों से पहले ही बोला था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के अंगों को दान कर दिया जाए ताकि किसी दूसरे की ज़िंदगी को बचाया जा सके, और उनकी पत्नी ने उनके कहे अनुसार उनके 6 अंगों को दान कर दिया। उनके अंतिम यात्रा में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और भतीजे रिंकू भदौरिया, पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और अमित दांतात्रेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुझे लगता है कि 6 लोगों को जीवन देने का काम किया है विवेकानंद जी ने अकेले जाके। दोनों आंखें, दोनों किडनी, लीवर और हार्ट, ये 6-6 लोगों की जिंदगी देने के जाने के बाद मुझे लगता है ऐसा ऐतिहासिक काम। मैंने जानकारी भी ली है कि इसकी जानकारी आ जाए, शायद ही ऐसा मुझे आज तक सुनने में नहीं आया। आज हमारे बीच जो हमारे पूर्व सैनिक संघ के एक योद्धा हवलदार विवेकानंद त्यागी जी, जिनका जो शहीद हो गए, मतलब हम जिला भिंड के सभी पूर्व सैनिक इस दुखद घटना में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं।